तो यूपी चुनाव में अभी जो सरकार चल रही है इनसे आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम तो खुश हैं, भले हम खा रहे हैं चाहे नहीं खा रहे, मैं तो खुश हूँ। 8 बजे से घुसे, 9 बजे सुबह 8 बजे से घुसे हैं। मतलब आप 50,000 लगाते हैं तो 1-2 लाख मिल जाता है कि नहीं 6 महीने में? अरे 40 से 30 हजार हो जाए, बहुत बड़ी बात। तो महंगाई वगैरह से दिक्कत है आप लोगों को? महंगाई तो बहुत है साहब, नमक रोटी मिलत बा वो खाद। मतलब जैसे बाकी किसान परेशान है, बाकी खेती किसान वही हाल है किसानों का? यही भी है। नमस्कार, लोकेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में ही देखा है कि यहाँ पे ये सिंघाड़ा यानी पानी फल की खेती हो रही है, तो उनके जो खेत के मालिक हैं, जो खेती जो करवाते हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और किस तरह से इस खेती में कितना खर्चा है, कितना मुनाफा है, क्या जिस तरह से देश भर के बाकी किसान परेशान हैं, परेशानी हर जगह है, सिंघाड़ा के किसानों का क्या हालचाल है, इनके बारे में भी जानेंगे और इस खेती में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, इन सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से किसान जो है पानी में घुस के उसमें से पानी फल निकाल रहे हैं तोड़ तोड़ के, और इस खेत के मालिक भी हमारे साथ और कुछ और किसान भी हैं। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से खेती होती है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय सोनकर जी हैं। विजय जी, ये खेती आपने कराई है? जी। लगभग कितने महीने में तैयार होता है ये? 3-6 महीना हो जाना। 6 महीना लगता है। कितने खर्चा आता है लगभग? खर्चा लगभग 50,000। 1 बीघे का 50,000 खर्चा। तो अब मुनाफा क्या होता है इस हिसाब से? अरे बहुत नुकसानी, हमने की जानकारी ना है। मुनाफा कम है जी। मतलब आप 50,000 लगाते हैं तो 1-2 लाख मिल जाता है कि नहीं 6 महीने में? अरे 40 से 30 हजार हो जाए, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मतलब उस जितना लग रहा है उससे भी कम हो रहा है? हाँ जी। तो इसके पीछे क्या है, मतलब मार्केट कम है क्या इसकी? मार्केट बहुत कम हो। अभी आप लोग जैसे मंडी में लेके जाते हैं तो ये कैसे रुपया क्विंटल कैसे बिक जाता है? 1500-1600 रुपए क्विंटल, जबकि यही फुटकर में जो है दो जने के तोले तोड़ रही है, 1000 मजूरी होगा। दो लोग अगर जैसे तोड़ रहे हैं, हाँ, 1000 एक दिन का, 1000 रुपया, 1000 मतलब एक जो मजदूर है वो दिन भर इसको तोड़ेगा तो 500 रुपया उसको मिलेगा, और दो लोग तोड़े तो 1000 यही हो गया। और कितने दिन में ये टूट जाएगा लगभग? लगभग 1 क्विंटल रोज टूटा था, 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल। अच्छा, एक मतलब 1 क्विंटल टूट रहा है, 1 क्विंटल जाएगा 1500-1600 रुपये में, जिसमें से 1000 रुपया तोड़वाई, 500 बचेगा, पूंजी लगा लो 50,000। 50,000 पूंजी लगा के, और कितना क्विंटल निकल जाएगा 1 बीघे से? 1 बीघे से 5-7-8 क्विंटल बस जी। तब तो इसमें नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान। बहुत हम कली, आपको जानकारी नहीं सर। तो ये खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? पहली बार है। अच्छा, तो इतना नुकसान होगा तो दोबारा फिर नहीं करेंगे? नहीं, ये खेत भी आप ही का है ना? जी नहीं, पट्टा है। अच्छा, पट्टे पे लिया आपने? कितना पट्टे का क्या है रेट? ये पट्टा 6200 रुपया सलीना है। 6200 रुपया सलीना। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी यहाँ तो ऐसा लग रहा है भाई साहब, जैसे बता रहे हो जिस हिसाब से, उससे ऐसा लग रहा है कि इनकी पूंजी भी नहीं निकलती होगी। अच्छा, सर जानकारी नहीं था, घुमा दिया आप खुद पर। अच्छा, जानकारी नहीं थी, पहली बार इन्होंने खेती की और अब घर से गंवाने की स्थिति आ गई है। यहाँ मजदूरों को लगा कि तोड़वा रहे हैं, उन मजदूरों से भी बात करेंगे कि पानी में घुसते हैं तो कैसा एहसास होता है और क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ कुछ और मजदूर भी हैं। चचा, क्या नाम है राहुल? गंगा दीन। आप, ये खेत आपका है? नहीं, अधिया तीसरी है। अच्छा, अधिया तीसरी किए थे आप। तीसरी का मतलब 1/3 आपको मिलता है ना? अधिया में आधा मिलता है। अभी ये काट के घर लेके जाएंगे? नहीं, उनके घर रखेंगे। अच्छा, जो मालिक है उनके घर लेके रखेंगे। तो इसके बाद पीटने के बाद आधा मिलेगा? मिलेगा। अभी चचा यूपी में चुनाव होने वाला है तो महंगाई वगैरह से दिक्कत है आप लोगों को? महंगाई तो बहुत है साहब। खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा हमारे लड़के हैं ना, लड़की हैं, अपने अपने घर हैं, दो पड़ा नहीं है। अच्छा, पति पत्नी आप लोग हैं? लड़की घर घर हैं।
तो यूपी चुनाव में अभी जो सरकार चल रही है इनसे आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम तो खुश हैं, भले हम खा रहे हैं चाहे नहीं खा रहे, मैं तो खुश हूँ। ऐसी क्या बात है कि भूखे हैं फिर भी खुश? अरे काम लग नहीं रहा है, जो कमाते हुए खा रहे हैं अपना, बस खाली काम नहीं लग रहा है। नहीं, हम सरकार से पूछ रहे हैं कि आप सरकार से खुश हैं कि नहीं? मैं सरकार से खुश हूँ। किस बात? इस बात पर कि हमारे देश का 70 साल के भविष्य को अलग किया हो। अलग किया मतलब? जैसे वो राम मंदिर। अच्छा राम मंदिर। हाँ, तो राम मंदिर को लेके आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। तो कभी गए वहाँ राम मंदिर? हाँ बहुत बार गए हैं वहाँ पर। हाँ मंदिर बन गया कि नहीं? मंदिर बन गया है, उसका उद्घाटन भी नहीं पहुँचे हैं। हाँ तो अच्छा ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मंदिर बनाने से पेट तो भरेगा नहीं? मंदिर पेट भरेगा, वो काम करेंगे तभी पेट भरेगा। तो काम तो नहीं मिल रहा है ना? काम तो नहीं मिल रहा है 2 साल से। दो साल से आपको भी काम नहीं मिल रहा है? लॉकडाउन से। काम मिले चाहे न मिले, महंगाई भले बढ़ जाए लेकिन मंदिर बन गया तो ठीक है। हाँ, हमें खुश। चाची आप भी मंदिर से खुश हैं कि काम धाम चाहिए? काम वो मिला था कि ना इनके? कहाँ मिला था काम, देखा था बैठल है, एक खेती है दूसरे करत बाई। कैसे चला था खर्चा पानी? अब वह देखा ये अब पीटल जाए सटकल जाए तब न चली। अब नीमक रोटी मिलत बा वो खाद बाई। मलकार तो कहत हूँ कि कुल बढ़िया चला था, सरकार बहुत बढ़िया है। कहता हूँ कहा है तो फिर से योगी के ओटवा देवे के ना कहे ना देवल जाए देवल जी तब कहा। और उनका मायावती का हाल चाल? अब हम ना बता सकी तो वह सब जानी। मायावती अखिलेश यादव। अच्छा सिलेंडर मिला लगी ना? मिला गैस भरा था मैं। पैसा रहा भरा है? ना रहा पैसा होता तो भरा लेते हैं, नहीं तो ऐसा रखा रहता है साहब। गैसिया का महीना भरा ले? हाँ महीना में नहीं 2 महीना में भरा ली। हमने तो परिवार दुए है मल्ला 3 मैंने जब पैसा की जुगाड़ हो जाला तो भरा जाए। हाँ भरा लेते हैं। अच्छा तेल उल खरीदा था सरसों का तेल, तो दिक्कत है इसमें? दिक्कत तो है भाई, अरे 200 के लगभग किलो हो गया साहब। तेल तो बहुत महंगा है। तेल महंगा है ना? सब्जियों महंगा तेल। अच्छा पकौड़ी बना थी ना इसमें? इसमें तो हमने पकौड़ी पकौड़ा महंगा दिया। अब तेल महंगा था पकौड़ा खाई कि दाल सब्जी बनाई? अच्छा दलिया बना था रोज? हाँ दाल रोज बन जाती है। कितने रुपये किलो है दाल? दाल तो 25 रुपया पौआ है। ये तेल महंगा है। और कुल चीज ठीक है? कुल ठीक है, कुल ठीक है। ये दो किसान हैं जो कि अभी तालाब के अंदर भीतर घुस के पानी फल निकाल रहे थे, यानी सिंघाड़ा निकाल रहे थे। आइए इनसे हम डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से इसकी खेती की जाती है, किस महीने में लगाया जाता है और कितने समय में ये खेती तैयार होती है, किस तरह से पौधरोपण किया जाता है और खाद वगैरह इसमें डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है, सारी चीज़ें आपसे। हम एक चचा हैं और शायद इनके पुत्र हैं। ये आपके पुत्र हैं? समान है। अच्छा पुत्र समान है, तो दोनों लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष है। तो चाचा ये अभी आप इसमें घुस के निकाल रहे थे, ठीक, इसकी खेती भी आप ही किए थे? यस। अच्छा किस महीने में ये पौधरोपण होता है इसका? मई में हुआ, अभी तैयार हुआ है? अभी तैयार हुआ है, लगभग 3-4 महीना, 4-5 महीने में आता है ये हमारी मनी हुई। जिसे एक बीघा की खेती में कितना खर्चा लग जाए? लगता है 40-50 हजार, कभी 300 आता है, नहीं 80 आ जाता है, नहीं 80 नहीं आता 300 घाटा भी हो जाता। अच्छा इसका पौधा कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये हम लोग खुद ही प्राप्त करते हैं, रखे रहते हैं। अच्छा पुराना रखे रहते हैं? नहीं कोई मान्यवर रखा रहता है तो रुपये दे के लाते हैं, इसमें डालते हैं, रोपते हैं धान जैसे। जड़ में लगाते हैं? हाँ जमीन में। अभी जैसे मैंने देखा कि आप पौधा उठा रहे थे, उसमें पानी फल लगा था सिंघाड़ा, तो उसको तोड़ रहे थे फिर पौधा उसी में डाल दे रहे थे? डाल दे। तो पौधा उसी में तैरता रहता है? तैरता रहे। अच्छा ऐसे हम भी तैरते रहते हैं। वो जो जड़ होती है वो पानी पे तैरती रहती है ना? तैरती रहती है, मगर इसके बाद वो जड़ जमीन में होती है। अच्छा जमीन में भी होती है। अभी जैसे आप बाजार में ले जाएंगे तो कै रुपया कुंटल? 20 रुपये और 15-20 का ही आता है। 15-20 का रेट है? अच्छा ये आप फुटकर में बेचते हैं कि मंडी में लेके जाते हैं? नहीं फुटकर में, मंडी का पहुँचाने भाड़ा नहीं निकलता है। अच्छा आप फुटकर में बेचते हैं तभी 20 रुपया मिल जाता है, नहीं तो? हाँ नहीं नहीं मिलता। तो मालिक जो है उनको बचत हो जाती है इससे कि नहीं होती? कभी बचता है कभी नहीं, तो बेचारे अपनी भुगतान भर लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं। अभी जैसे जिन भाई साहब का है ये, हाँ तो वो बता रहे थे कि पहली बार किए हैं लेकिन नुकसान हो रहा है। नुकसान है ही है, मगर क्या
है, भरोसा रहता है, बिजनेस किए हैं तो और मान्य मन देखते हैं, कार्य कर रहे हैं तो किसी बहाने उनका हर एक मान्य होता है। मतलब जैसे बाकी किसान परेशान है, बाकी खेती किसान वही हाल ये ये ही भैया, जैसे हम ये वर्दे उतार के देखे पानी में घुसे हैं, अभी आप पानी में से निकले हैं और इसीलिए शायद शरीर काम भी रहा है आपका, क्यों नहीं कांपेगा, 8 बजे से घुसे, 9 बजे 8 बजे से घुसे हैं, कोई घुस सकता है, तबीयत भी खराब हो जाती है, नो नो हमारे माल खाते तो नहीं घुसेगा, कमजोर रहेंगे तो मरीजी भी हो सकते हैं, माल खाते मतलब अरे शक्तिमान पैदाइश वीर पैदाइशी वीर है, हाँ कि चार लोग मिलो तो पानी में डुबा देंगे हम लोगों को नहीं डुबाएंगे, अरे क्यों नहीं, आप हमको जब चाहेंगे गलत तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, नहीं हमको मत डुबाएगा अच्छा अच्छा ये बताइए जैसे आप पानी में घुसते हैं उसमें कुछ कीड़े वगैरह भी काटते हैं क्या? काटते हैं तो हम लगाते हैं बिरोजा, नहीं मिलता है तो उसका नाम है रज्जन, क्योंकि वो दीमक जैसे जमीन में होता है काटता है पौधे को, ऐसे हमको काटती है कौन सी जोंक, मगर वो नहीं छुएगी, बिरोजा लगाएंगे तो हमको पानी भी नहीं लगता है, हम चलते रहेंगे, नहीं तो पानी तो दबा देगा, हम वहीं डाउन हो जाएंगे, मगर क्यों नहीं डाउन होंगे, क्योंकि बिरोजा होता है या रज्जन, पोत लिया तेल तो अंदर पानी भी नहीं हलेगा, मगर देखिए डस लेता है सिंघाड़ा का डंकिया, अच्छा ये सिंघाड़े की डंकिया लगी है, क्या करेंगे है ना, मगर इसे कुछ नहीं हो, मैंने देखा कि आप पानी में तैर रहे थे तो कुछ उपाय था क्या उसका? हाँ डब्बा है ना, डब्बे के ऊपर रहते हैं आप, अच्छा लकड़ी बांध के डब्बे के ऊपर टिके रहते हैं ताकि डूबे नहीं, आप पढ़ाई और लिखाई भी करते हैं? छोड़ दिए पढ़ाई, कहाँ तक पढ़े आप? 8 तक पढ़े थे बस, बस उसके बाद धंधा फिर छोड़ दिए, तो धंधा क्या है आपका? यही जो मतलब आम शाम तोड़ते हैं, हमारे से पूछिए, अच्छा फल तोड़ना ही आपका काम है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक चाचा? हमारी 16वीं है, हम नाम PSC PID है, चेतगंज थाने सिगरा कैंड हम रहते हैं, सिंघाड़ा यानी पानी फल के किसान थे जो कि पानी फल निकाल रहे थे तालाब से, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये लोग भीतर घुसते हैं और डब्बों के सहारे तैरते रहते हैं, फल तोड़ते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं मार्केट में, फिर ले जाके इसको बेचते भी हैं। देखा आपने कि जिस तरह से देश के सारे किसान परेशान हैं महंगाई से और उचित मूल्य न मिलने से, तो वही हाल सभी किसानों का है, वो फल के किसान हो, अनाज के किसान हो, सिंघाड़ा फल के किसान हो, किसी भी चीज़ के किसान हो, किसानों की हालत हर जगह बराबर है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।